इसराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच अलकसाम ब्रिगेड के कदम ने अमेरिका और इसराइल के मुंह पर करारा जूता जड़ दिया है। जी हां, जिस बात का अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था, जिसका अंदाजा इसराइल को भी नहीं था, वो काम को अंजाम जो है अलकसाम ब्रिगेड ने दे दिया है। जहां एक तरफ गाजा में हो रही बमबारी को लेकर के खड़े होकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस नरसंहार को बढ़ावा दिया, तो वहीं अलकसाम ब्रिगेड ने कैदियों को रिहा करके एक ऐसा आईना दुनिया को दिखा दिया कि जहां अमेरिका और इसराइल के कहने पर दुनिया अलकसाम ब्रिगेड को आतंकी कह रही थी, न जाने क्या क्या कहती हुई दिखाई नहीं दी, अब उनके इस कदम ने पूरी दुनिया में रुसवाई कर दी है अमेरिका और इसराइल की। और अबू उबैदा ने अपना वादा जो कल किया उसे करके दिखा दिया। किस तरीके से नागरिकों की रिहाई का वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा कि अबू उबैदा ने कल वादा किया था कि वो अमेरिकी नागरिकों को रिहा करेंगे, और आज उसका वीडियो जो है वो सुबह सुबह सामने आ गया। और इस बीच कोऑर्डिनेट करने का काम कतर द्वारा जारी रहा, जहां कतर के कहने पर दो अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया गया था, जहां टोनी ब्लिंकन लगातार जाकर के कतर के राजनेताओं से मुलाकात कर रहे थे और बता रहे थे कि अभी भी हमास के कब्जे में हमारे नागरिक हैं। और दो नागरिकों की रिहाई इस बात का पूरी तरीके से सबूत देती है कि अलकसाम ब्रिगेड, आतंकवादी संगठन जिसे करार दिया जा रहा है अमेरिका और इसराइल की मीडिया द्वारा, वो तो इनके मुंह पर अपने कदमों से करारा जूता जड़ रहे हैं। जो कि अबू उबैदा की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कैसे इस कदम को अंजाम दिया गया इस बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ अरबी में पूरी डिटेल जो है इसकी सामने है, और साथ ही साथ हिंदी में ट्रांसलेट मैंने कर रखा है, क्योंकि तमाम लोगों को ये देखना जानना चाहिए कि अलकसाम ब्रिगेड जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। जहां इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा इज़ल्दीन अलकसाम ब्रिगेड ने अपने प्रवक्ता अबू उबैदा के माध्यम से अलकसाम ब्रिगेड की घोषणा के बाद दो अमेरिकी बंदियों, एक मां और उसकी बेटी की रिहाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जहां उबैदा ने कहा कि उसने कतरी मध्यस्थता प्रयासों के जवाब में ऐसे कदम को अंजाम दिया है, और जब कतर के कहने पर खासतौर पर अलकसाम ब्रिगेड दो नागरिकों को रिहा कर सकता है, तो क्या अमेरिका के कहने पर इसराइल गाजा पट्टी में जो नरसंहार कर रहा है उसे नहीं रोक सकता? और यह इस बात का बड़ा सबूत देता है कि किस तरीके से दुनिया के सामने करारा जूता जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर जड़ दिया है अपने इस कदम से। जहां क्लिप में आए सदस्यों के दो बंदियों के रेड क्रॉस की प्रतिनिधियों को सौंपते हुए दिखाया गया है, जो बदले में दोनों अमेरिकियों को संगठन की एक कार में ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। जहां कार में बैठे वो, जो कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, अलकसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने पहले ही कहा था कि ब्रिगेड ने कतर के माध्यम से प्रयासों के जवाब में मानवीय कारणों से दो अमेरिकी बंदियों को रिहा कर दिया है, जो कि एक मैसेज दिया गया अलकसाम ब्रिगेड को, कतर ने कोऑर्डिनेट किया, और कतर के कहने पर दो अमेरिकी नागरिकों को छोड़ देना, ये एक कड़ा संदेश है इस जंग का कि आप तो इस जंग में सारे जुल्म ज्याति जालिमानापन पार कर रहे हैं, पर यहां ये कदम उठा करके आपको ही आईना दिखाने का काम कर दिया गया। जहां अबू उबैदा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था, दो बंदियों की रिहाई अमेरिकी लोगों और दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए की गई है, जो बिडेन और उनके फासीवादी प्रशासन के आरोप ये झूठे आरोप हैं जिनका सच्चाई पर कोई आधार नहीं है।
जो ये कहा जा रहा था कि देखिए महिलाओं के साथ में रेप कर रहे हैं, महिलाओं की गर्दन काट के ले जा रहे हैं, और ना जाने क्या क्या बातें जो हैं वो इजरायली और अमेरिका मीडिया द्वारा नहीं की गई। और उसी का जवाब जो है दो टुक में दे दिया गया अबू उबैदा द्वारा इस कदम को उठा करके, जहां रॉयटर्स ने इजरायली टेलीविजन पर यह भी बताया कि तेल अवीव ने अल-कसाम ब्रिगेड द्वारा दो अमेरिकी बंदियों की रिहाई की पुष्टि की, जबकि एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि दोनों बंदी वर्तमान में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की हिरासत में हैं। रॉयटर्स ने कतरी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा था कि गाजा से दो अमेरिकी बंधकों की रिहाई सभी पक्षों के साथ लगातार संपर्क के बाद हुई है, जहां लगातार जो है आप देख रहे होंगे ब्लिंकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लगातार चक्कर पे चक्कर, कभी कतर, कभी सऊदी अरब, कभी कहीं जाकर के मिल रहे थे। और जब कतर में जाकर के मिले तो ये तस्वीर जो है लोगों के सामने आ गई कि दो कैदी जो थे, माँ और बेटी अमेरिकन, उन्हें रिहा करने का काम अल-कसाम ब्रिगेड द्वारा किया गया, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अबू उबैदा ने कहा कि दोहा की उम्मीद है कि बातचीत से सभी राष्ट्रीयताओं के सभी नागरिक बंधकों की रिहाई हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंधकों की रिहाई के संबंध में इजराइल और हमास के साथ संपर्क लगातार जो है उनका जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में दो अमेरिकी बंधकों जुडिथ और नताली रानन को रिहा करने के प्रयासों के लिए कतर और इजराइल को धन्यवाद व्यक्त किया है। यहाँ भी पूरी तरीके से मक्कारी जो है अमेरिका की खुल करके सामने आई, जहाँ उन्होंने व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान में कहा कि वे तब तक अपने प्रयास नहीं रोकेंगे जब तक कि बंधक अपने देश वापस नहीं लौट आते। बदले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने दो अमेरिकी बंधकों को रिहा करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कतर राज्य को धन्यवाद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन ने कहा कि गाजा में अभी भी हमास द्वारा अमेरिकी जो हैं वो बंधक बनाए गए हैं। जो तस्वीर आपके सामने है कि 7 अक्टूबर से ये मामला लगातार चल रहा था, और आज अल-कसाम ब्रिगेड के इस कदम ने एक ऐसा करारा तमाचा, एक ऐसा करारा जूता अमेरिका और इजराइल के मुंह पर जड़ा है, जो अल-कसाम ब्रिगेड को लेकर के तमाम तरीके की झूठी बातें और झूठी मक्कारी इस नरसंहार पर करते हुए दिखाई दे रहे थे।